तो गाइस हम लोग बनाने वाले हैं आज एक स्नोमैन। तो स्नोमैन बनाने के लिए हमें एक इस टाइप की वाइट पेपर की ज़रूरत पड़ेगा। इसे हमें एक सर्कल कट कर लेना है। तो चलिए सर्कल कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सर्कल कट कर लिया है। अब हमें ऐसा ही और 12 सर्कल कट करना होगा। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 12 सर्कल कट कर लिया है। आपको ऐसे ही 12 सर्कल कट कर लेना है। अब हमें फिर से एक पेपर लेना है वाइट ही, और इसे भी हमें सर्कल ही कट करना है, पर पहले वाले सर्कल से छोटा। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक और सर्कल कट कर लिया है, ये पहले वाले से छोटा है। ऐसे ही हमें 12 सर्कल कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 12 सर्कल पहले ही कट कर लिया है। तो मैंने एक बड़ा सर्कल ले लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ग्लू लगाना होगा पूरे पेपर पे। तो चलिए ग्लू लगा लेते हैं। और इसके ऊपर दूसरा पेपर को चिपका देना है कुछ इस तरह से। ऐसे हमें पूरा करना है 12 पेपर एक के ऊपर एक, ऐसे करके पूरा चिपका देना है। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सब एक के ऊपर एक ऐसे ही चिपका लिया है। अब हमें एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगा जिसे हमें रोल करना है। तो चलिए रोल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका पेपर रोल बना लिया है। अब हमें इसके बीच में ऐसे रखना है, और इसके बाद एक एक पेपर दोनों साइड से जो बचा होगा उसे ऐसे करके यहाँ पर चिपका देना है। चलिए चिपका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे चिपका दिया है इसके ऊपर। अब हमने जो छोटा छोटा सर्कल कट किया था उसे भी सेम एक के ऊपर एक चिपका के पूरा कंप्लीट कर देना है। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे भी वैसे ही बना लिया है। अब हमें फिर से वो लाना है, और इसे इसके ऊपर कुछ इस तरह से चिपका देना। तो चलिए चिपका लेते हैं। अब हमें अपने स्नोमैन का आईज बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। उसके लिए हमें एक ब्लैक पेपर की ज़रूरत पड़ेगा, जिसे हमें कुछ इस टाइप से छोटा सा एक सर्कल कट करना होगा। कुछ इस तरह का ऐसा ही हमें दो सर्कल कट करना होगा। और उसके बाद हमें वाइट पेपर को भी कुछ उसी शेप में लेकिन उससे बड़ा कट करना होगा। वैसा ही दो। तो चलिए कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमें इन दोनों के ऊपर एक एक वो ब्लैक पेपर को चिपकाना होगा। कुछ इस तरह से। दूसरा भी वैसा ही एकदम। अब इन दोनों को यहाँ पर चिपका देना होगा। तो फिर चिपका लेते हैं। अब हमें इसका नाक बनाने के लिए इस टाइप के ऑरेंज पेपर की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आप कुछ इस टाइप से कोन शेप में रोल कर दीजिएगा। आप चाहे तो इसके जगह पर रेड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा कट करना होगा। इस टाइप से, और इसे हमें यहाँ पर चिपकाना होगा इसके नाक के पास। चलिए चिपका लेते हैं। नाक के चिपक जाने के बाद हमें इसका मुंह बनाना है। उसके लिए मैंने एक ब्लैक पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, और इसे हमें कुछ इस शेप में कट कर देना होगा। और उसके बाद फिर ऐसे, और इसे हमें इसके जस्ट नीचे चिपकाना होगा। तो चलिए चिपका लेते हैं।
कुछ इस टाइप से चिपकाना। चिपकने के बाद अब हमें इसका टोपी बनाना होगा। उसके लिए भी मैं एक ब्लैक पेपर का यूज़ कर रहा हूँ और उसे कुछ इस शेप में ऐसे कर लेने के बाद यहाँ पर इसके टॉप पे जो थोड़ा सा रोल बच रहा है यहाँ पर ऐसे चिपकाना होगा। हैट भी चिपक गया। अब हमें इसका हाथ बनाना है। उसके लिए मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। इसका एक हाथ रेडी है। ऐसे ही हमें दो हैंड बनाना होगा। तो चलिए बना लेते हैं। मैंने इसका दोनों हाथ बना लिया है। अब हमें इन दोनों को एक इस साइड और एक दूसरे साइड ऐसे चिपका लेना है। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो मैंने चिपका लिया है और हमारा स्नोमैन रेडी है। ये देखिए, देख सकते हैं टोपी के साथ हमारा स्नोमैन रेडी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारा स्नोमैन रेडी है। कैसा लगा वीडियो? पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। मैं हूँ प्रियांशु, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्राफ्टिंग विद प्रियांशु में।